हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिजार्ड माइंड में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तैयारी करते टाइम पे आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, आप कई बार उन चीज़ों को भूल जाते होंगे। ये समस्या आपको तभी आती है जब आप चीज़ों को एक बार पढ़ते हैं, दोबारा उसको कभी रिवाइज नहीं करते हैं, और या फिर आप रिवाइज करने के लिए जहाँ से आप पढ़ते हैं उसी में आप बार बार पढ़ते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, आप जब पूरी किताब को पढ़ते हैं तो आप पूरा थका हुआ महसूस करने लगते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको, आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको आप छोटे छोटे नोट्स बना लें। नोट्स आपके बहुत ही साफ और क्लीन होने चाहिए, जिसे समझने में आपको भी आसानी रहे। कई लोग नोट्स बनाते हैं अपनी खुद की राइटिंग, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इनको कैसे समझूँ, मैं कैसे पढ़ूँ। तो आपका जो नोट्स बनाने का तरीका हो वो बहुत ही एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। दूसरा, नोट्स आपके बहुत छोटे छोटे हों। आप जिन चीज़ों को याद करना चाहते हैं सिर्फ वही चीज़ें आप अपने नोट्स में रखें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम से पहले आप पूरी किताब तो पढ़ नहीं सकते ना, उसको पूरी तरह से आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उनके नोट्स बना रखे हैं उन टॉपिक्स के, तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स के नोट्स को एक बार नज़र डाल देंगे तो आपको जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप जो नोट देख रहे हैं, ये राहुल यादव सर ने अपने हाथों से नोट्स बनाए। आप देख सकते हैं कितने साफ नोट्स आपको लग रहे हैं। आपने कई बार सोशल मीडिया पे भी ये नोट्स बहुत देखे होंगे, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से साफ अपने हाथों से नोट बनाए हैं। तो आप भी देख सकते हैं और आप भी इस तरह से नोट्स बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। और भी चीज़ें होंगी, हमारा चैनल आपको हर तरह से गाइड करेगा और आपको बताएंगे किस तरह से पढ़ने का तरीका है। ये सर ने जो नोट्स बनाए थे ये पॉलिटी के थे। इसमें सर ने बताया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की पुस्तकें पढ़ने का तरीका कैसे है, तो उसके लिए नोट्स बनाए थे प्रॉपर, और आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक था इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की मूल संरचना, संविधान संशोधन, और दो था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता। नंबर तीन पे था मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। इनका तुलनात्मक अध्ययन किया हुआ था, सरकार की प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, तुलनात्मक अध्ययन, केंद्र एवं राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, तुलनात्मक अध्ययन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तुलनात्मक अध्ययन, लोकसभा, राज्य विधानसभा, लोकसभा स्पीकर, विधानसभा स्पीकर, इनका भी तुलनात्मक अध्ययन था, राज्यसभा, विधानसभा परिषद, इनका भी तुलनात्मक अध्ययन था, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, पंचायती राज्य, नगरीय स्वशासन, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना, निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, महान्यायवादी, राज्य का महाविक्ता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग की